बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैंने प्रैक्टिकल नंबर 2 स्टार्ट किया था, इसकी हमने स्टेटमेंट पढ़ ली थी। मैंने कहा कि रोल 2 डाइस, यानी कि 2 डाइस होंगे इसमें। एनी टाइम आपने एक्सपेरिमेंट को रिपीट करना है और जो इनके फेसेस को देखना है और सम ऑफ फेसेस को आपने रिपोर्ट करना है, और आपने ये प्रॉपर्टीज को प्रूव करना है। ठीक है, ये आपने जो है मीन आया आपका एक्स वेरिएबल का, और जो रैंडम वेरिएबल 3x+5 बनाया, इनको आपस में देखना है कि बराबर है या नहीं। ठीक है, रैंडम वेरिएबल यहाँ पे सम ऑफ फेसेस है, ठीक है, हमने ये भी देख लिया था यहाँ पे। अब हम आते हैं, ये देखिए हमारे पास है, हमने तो सबसे पहले सीरियल नंबर लिख लिया 80 तक, ये मैंने आपको बताया था यहाँ पे। उसके बाद आपने ऑब्जर्वेशन लिख लिए, डॉट्स लिख लिए, और सम को नोट करना। जैसे लूडो के 2 दाने हैं तो हमने किया तो 2 खाना गया, इसका सम हमने देख लिया 3 आ गया। फिर हमने रोल किया तो उसके बाद हमारे पास आ जाएगा 6 रोल्स को हमने 10 किया। इस तरह से फोन हम जो है ऑब्जर्वेशन को देखते गए और उनके सम्स को लिखते गए। तो हमने जो है देखा कि हमारे पास सीरियल नंबर और इस तरह से 80 हमारे पास आ जाएंगे प्रैक्टिकल्स का, जो सीरियल नंबर हमने नोट कर लिया। उसके बाद डॉट्स को, उसके सम को नोट करते गए। फिर तो हमने यहाँ पे कल प्रैक्टिकल जो हम कर रहे थे, यहाँ तक हमने आउटकम्स को सारे हमने देख लिए थे। हम फ्रिक्वेंसी पे आए थे तो हमारी मतलब मीटिंग में हो गई थी। अब हम ये देखें, इसके बाद आते हैं 80 हमारे सारे बन गए। मैंने कहा था इसके आपकी मिनिमम वैल्यू 1 और 1 को 2 ऐड करें तो 2 बनता है। ये देखिए जैसे कि यहाँ पे 2 वैल्यू 1 और 1 को ऐड करें तो 2 बनेगा मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू 6 6 आ जाए आप, अगर आपके दोनों ही लूडो के दानों पे, तो वो 12 रहेगा। ठीक है, डाइस पे मैं आपको आसान लैंग्वेज में बता रही हूँ ताकि आपको बतलाना हो। अच्छा, आप यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ जो है सम ऑफ डॉट्स पे निकाला था, आप 1 को इसको ना लिखे 2 से स्टार्ट करें। आप 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हमने सारे लिख लिया और लास्ट में टोटल का कोलम आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें हमारे पास एक फ्रिक्वेंसी का आ जाएगा। आपने देखा 2 कितनी बार आया, इसमें 5 बार आया होगा। 3 को देखा, 4 को, 5 को, सोन सबको देखते गए, साथ ही हमने इसकी प्रोबेबिलिटी बना ली। अब प्रोबेबिलिटी कैसे बनाते हैं, फ्रिक्वेंसी ओवर टोटल फ्रिक्वेंसी। इसकी 5 थी और टोटल इसका 80 था। 5 ओवर 80, 5 ओवर 80, 8 ओवर 80, 4 ओवर 80, ऐसे करके हमने इसकी प्रोबेबिलिटी बना ली। अगला हमारा कॉलम होगा एक्स पी एक्स का, यानी कि जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी वाला कॉलम है, उसको हम एक्स के साथ मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो हमारे पास ये वाला कॉलम आ जाएगा। ठीक है, तो हम इसको कह देंगे ये मीन के लिए है और ये वेरियंस के लिए। हम जो एक्स का मीन और वेरियंस दोनों निकालना है, ये वाला कॉलम हमारे पास वेरियंस के लिए आ जाएगा। ये आप एक हफ्ते में काफी इसकी प्रैक्टिस की है क्वेश्चन की, और ये यहाँ पे प्रैक्टिकल में भी, तो आपको ये किसी के साथ जाना चाहिए। पेपर में इस वाले क्वेश्चन जरूर आते हैं प्रैक्टिकल में भी। अगला उन्होंने कहा है कि आपने ये रैंडम वेरिएबल जैसे कि 3x+5 है, ये हमने बनाना है। हर जो हमारे पास एक्स है उसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करते जाएंगे 5 है। जैसे पहले देखें एक्स को हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा 3 2 6, और उसमें 5 ऐड किया तो 11 बन जाएगा। नेक्स्ट में हमारे पास 14, 14 को हमने जो है ये कैसे आया, हमने एक्स को यहाँ पे 3 रखा, 3 3 9 और 5 इसमें ऐड किया तो 14। फिर 4 था तो 4 3 12, और 5 ऐड किया तो हमारे पास आ जाएगा 15। तो इस तरह से हमारे पास रैंडम वेरिएबल एक्स की वैल्यूज आ जाएंगी, और हम इसी रैंडम वेरिएबल को प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। मैंने आपको कहा था ना, प्रोबेबिलिटी के साथ ही मल्टीप्लाई करते हैं। आपको चाहे रैंडम वेरिएबल अब ये वाई बन जाए, इसको नाम वाई देते हैं, लेकिन आपने इसी प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई करना। हम ये हमारे पास प्रोबेबिलिटीज आ जाएंगी इसकी। ठीक है, ये हमने अभी यहाँ पे इसकी एक्सपेक्टेशन निकालनी है कि हमें ये कॉलम पहले से बना लिया है यहाँ पे। सारे पहले इसको देखते जाए आप, इस तरह से सारी हमारी वैल्यूज आ जाएंगी, ये सारे कॉलम्स कंप्लीट हो जाएंगे। अब आते हैं हम इसको वैल्यू ऑफ दिस, सबसे पहले हमने इसकी एक्सपेक्टेशन फाइंड की। मिशन नेक्स्ट पता है, मैंने आपको बताया हुआ है। जब हम इसमें कहते होते हैं कि जो ये वैल्यू होती है इसको हम लिख देते हैं एज इट इज, और साथ हम इसके आ जाते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ। अब ये हमारे पास आ गई थी 26.8। अगर हम इसके अब वेरियंस फाइंड करते हैं तो इसके लिए हमारे पास ये और ये आ जाएगा। अभी यहाँ पे आपको समझ रहे हो, वेरियंस के लिए ये वाला कॉलम निकालना पड़ेगा यहाँ पे। ये 5x+12 इसका जो है स्क्वायर, और प्रोबेबिलिटी एक्स, यहाँ पे इसका कॉलम बनाना पड़ेगा आपको। 5x नहीं है सॉरी, यहाँ पे 3x+5 है। 3x+5 वाला एक आपको कॉलम बनाना पड़ेगा स्क्वायर के साथ भी, ताकि आपको आराम से कर सकते हैं। आपने यहाँ पे भी इनके पहले वेरियंसेस और मीन निकाल लिए इनके इन टर्म्स के, और इसके बाद जो है वेरियंस निकालना था एक्स का, वो भी हम निकाल लिए यहाँ पे। अच्छा, वो मीन एक्स का और ये निकाल के यहाँ पे आपने लिखना है। यहाँ इसके क्या आता है, मीन का क्या आता है हमारे पास एक्स का, ये आता है तो 281/40। अब यहाँ पे ये तो आपने मीन को अलग से निकाल लिया प्रूव करने के लिए। देखिए यहाँ पे पुट कर दिया 281/ हमारे पास जो आ रहा था 40, उसके अकॉर्डिंग देखा आंसर सेम आ गया, वेरीफाई हो गया। और यहाँ पे उन्होंने जस्ट एक ही कहा था, या वेरिफिकेशन के लिए दूसरा करना था, दूसरा भी कर दिया। ठीक है,
जहाँ तक हमारे पास जो हमें रिक्वायर था हमने इसके अकॉर्डिंग इस प्रैक्टिकल को कंप्लीट कर लिया सारा सबूत करके। प्रैक्टिकल नंबर 23 इसमें क्या, स्टार्टिंग एट द टॉप ऑफ द थर्ड कॉलम ऑफ द रैंडम नंबर टेबल ऑब्जर्व 200 सिंगल डिजिट रैंडम नंबर एंड रिपीट द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजिट 0 to 9 फाइंड मीन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन आल्सो कंप्यूट पियरसन कॉपरेटिव स्कीमा। अब आपने मीन भी फाइंड करना, स्टैंडर्ड डेविएशन भी बनाना, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी बनानी है, पियरसन का कोएफिशिएंट भी निकालना है और आपने 200 सिंगल डिजिट नंबर लेने हैं, ठीक है। अब ये उन्होंने क्या किया, स्टार्टिंग एट द टॉप ऑफ द थर्ड कॉलम, आपने जो है थर्ड कॉलम से स्टार्ट करना है, उन्होंने आपको बाउंड कर दिया, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे अपना रैंडम नंबर ले लिया हमने, ठीक है। यहाँ पर हमने रैंडम नंबर, अब आपकी अपनी मर्जी आप लिखे एनालिस से, लेकिन हमने 100 जो है 200 जो रैंडम नंबर से ले लिए और उसको हमने नोट डाउन कर लिया। अब इन्होंने देखो इस केस में डायरेक्ट इन्होंने लिख दिया रैंडम वेरिएबल की जो आर की 0 से लेकर 9 तक हमारे पास रैंडम नंबर आ रहे हैं, 0 to 9 और उसके सामने उसके टैली और सीक्वेंस लिख दिया। अब आप जब नोट डाउन करोगे आपके पास रैंडम नंबर टेबल फर्स्ट ईयर के बुक में है, हमने जो 7 चैप्टर में पढ़ा था, मैंने जब आपको बताया भी था कि आप रैंडम नंबर ये कॉलम वाइज होता है ये रो वाइज होता है, तो आपने जो है आपने क्या करना है वहाँ से उसके जो है थर्ड कॉलम को कंसिडर करके 200 रैंडम नंबर लेने हैं और उनको फिर इसके टैली हो गया डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगी। और एफ एक्स निकाल लिया मीन के लिए, एफ एक्स निकाल लिया हमने जो है वेरियंस के लिए, कम्युनिटी फ्रिक्वेंसी निकाल ली हमने मीडियन या मोड जो भी निकालना होगा उसके लिए, और या फिर बेसिकली क्वार्टाइल्स कुछ भी निकालना उसके अकॉर्डिंग हमने कर लिया। अब यहाँ से बेसिकली देखा जाए तो हमारे पास ये एक्स आ गया, एफ एक्स, एफ एक्स के ये सारे आ जाएंगे और हमने जो है इनको बेसिकली ये सारे बना लेंगे मल्टीप्लाई करके कॉलम्स रिक्वायर, और यहाँ से ये रिमेनिंग कॉलम्स बन जाएंगे आपके सारे, ठीक है। अब जब इन कॉलम्स का हमने फिर जो है सम लिख लिया जाएगा, ये सम आ जाएगा और उसके बाद फिर यहाँ पर मेन पेज मुझे लगता है सॉल्यूशन करके हमारे पास मीन आ जाएगा 4.495 जनरेशन के लिए, हमारे पास सॉल्यूशन का स्क्वायर ओवर एन माइनस मीन का ओवर एन होल स्क्वायर ये आ जाएगा, ट्रांजिस्टर डेविएशन आ गया, मीन आ गया, पेयर्स एंड कोएफिशिएंट स्क्वायर निकालना, मीन वैल्यू निकालिए फिर पेयर्स डिस्ट्रीब्यूशन बना लीजिए, पेयर्स एंड कोएफिशिएंट स्क्वायर बनाना है हमने तो यहाँ पर सॉल्यूशन एफ एक्स और सॉल्यूशन एफ करके ये आ जाएगा, मीडियन हमारे पास एन प्लस एन बाय टू करके ये आ जाएगा, मीन भी आ गया, मीडियन भी आ गया, ट्रांजिशन में तो कैलकुलेट कर चुके हैं और यह मोड हमारे पास मोस्ट सिग्निफिकेंट वैल्यू है। अब हमने इसको देखना है अपने उसके अकॉर्डिंग दिया। अब आपने जो है यहाँ पे 200 नंबर आप चाहे तो आप लिख लें अपने जो है उससे वो आपके पास जो रैंडम नंबर का टेबल होता है 7 चैप्टर के, और चाहे तो आप जो है डायरेक्टली फ्रीक्वेंसी वैसे तो आपको लिख लेना चाहिए प्रैक्टिकल के लिए, तो आपको लिख लेना चाहिए और जब आप सोल्व कर रहे हो प्रैक्टिकल उसमें तो ये आप अपने एग्जामिनर से पूछने के टाइम होगा तो वो आपको कह देगा कि लिख लें 200 वैल्यूज, अदरवाइज तो कह देगा कि डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाओ, तो आपने इस तरह से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना के सारे क्वेश्चन को सोल्व कर लिया। ये भी आसान है, देखो ये तो आपके आसान क्वेश्चन है, मुश्किल है ही नहीं। अब आता है नेक्स्ट के बाद प्रैक्टिकल नंबर 24 आता है हमारे पास, नंबर बताया कि आपके क्या आएंगे 7, 3, 3, 4, 2 सोन से सिक्स करके नंबर आएंगे, आप कुछ नंबर लिख लें और बाकी सोन करके आप कंटिन्यू कर लें, लेकिन नंबर जरूर लिख लें अपने प्रैक्टिकल में, मैंने कहा है आपने जरूर नंबर लिखे हैं उसके। उसके बाद आता है जो डिस्प्ले डाटा होगा तो उसकी उसकी भी कैसे बन गई और आगे से हमने मीन वेरिएंस निकाल दी। प्रैक्टिकल नंबर 24 है, सिलेक्ट 55 डिजिट नंबर, हमने 5 डिजिट नंबर लेने हैं 50, ठीक है, ये भी रैंडम नंबर से लेंगे फ्रॉम अ रैंडम नंबर टेबल, लेट एक्स बी द मीडियन of the selected numbers, obtain frequency distribution of x, find the coefficient of variation, बनाना है frequency distribution बनानी है और इसका median निकालना है, क्या होगा 5 digit number हमने लिए 1 से लेकर 50 तक, और उसके बाद जो है उसमें से हमने उसका median निकालना है, हमें पता है कि अरेंज बैठा है कि हमने median value को median कह दिया और उस median के लिए हमने frequency distribution बनानी है, ठीक है। इसका से कुछ तरीके से आपने अंडरस्टैंड करना है, ये देखो सबसे पहले तो हमने अपना सीरियल नंबर लिख लिया 1 से लेकर 50 तक, हमने जो है आप सीरियल नंबर लिख लिया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ऐसे सोन हमारे पास 50 तक सीरियल नंबर चला गया। नेक्स्ट के बाद हमने जो है नंबर्स लिए, रैंडम नंबर से कोई भी 5 नंबर ले लिए, फिर 5 नंबर ले लिए, 5 5 नंबर हम लेते गए
और उनका हम मीडियन निकालते थे, मीडियन इसका 2 आ गया, इसका 8 आ गया, इसका 6 आ गया, इसका 5, इसका 2, तो इधर यहाँ पे 7, मिडिल वैल्यू को मीडियन कहते हैं ना, तो इसका 10 का ही मिडिल वैल्यू, अरे यही बेटर से मिडिल वैल्यू को हम इसका से मीडियन लेते थे। अब इसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट, ये सारी हमने वैल्यूज ले ली, इस मिडिल वैल्यू को फिर इसका से हमने मीडियन निकालते थे, ये हमारे पास कॉलम बनते जाएंगे, और हमने कहाँ तक वैल्यूज लेनी है 50 तक, तो हम इसका से करते जाएंगे 40 वैल्यूज होगी, 20 या 40, अब 10 वैल्यूज रहेगी, 10 वैल्यूज होगी, फिर 41 से लेकर सारी वैल्यूज लेनी, कोई भी 5 नंबर आपने लेके जाना है, रो वाइज कॉलम वाइज आपकी फिर मर्जी है, तो उसमें से आपने उसका मीडियन निकाल लिया, ठीक है। अब मीडियन पे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीडियन एक्स नॉर्मल वैल्यू बनता है, इसकी वैल्यू 0 से लेके 9 तक की वेरी करेगी, ठीक है। अब यहाँ पे 8 है लेकिन आप 9 लिखे, इसको 0 भी से हम लिख सकते हैं फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पे इसके सामने फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 0 2 टाइम आया है, 1 4 टाइम जो भी है, उसके अकॉर्डिंग आप एफ एक्स एक्स निकाल लेंगे, एफ एक्स के निकाल लेंगे, यानी कि ये हमारी मीन का बन जाएगा, और ये उसके लिए कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकाल लेंगे हम इसके लिए, उसके अकॉर्डिंग हमें रिजल्ट रिक्वायर मिलने चाहिए। और यहाँ पे आप 9 लिखे, इसके सामने से 0 0 वाला आगे से 0 0 आ जाएगा, तो आप उसको कर लीजिएगा यहाँ पे लिख लेना है। उसके बाद आपका है ये मीन के तो 4.08 बन जाएगा, सेलिब्रेशन का भी बन जाएगा 2.15, हमने के अकॉर्डिंग सी भी हमने निकाला तो बन जाएगा ऐसे वो स्मार और डिप्लोमा हमने करके 2.76%। लास्ट प्रैक्टिकल हम देखते हैं, प्रैक्टिकल नंबर 25 है, 182 डिजिट। अब अभी हमने 5 डिजिट लिए थे, इसके प्रीवियस में 1 डिजिट लिया, ये इसमें 5 लिए, अब इसमें हम 2 डिजिट रैंडम नंबर लेंगे 80, और फ्रॉम रैंडम नंबर टेबल में एक अपने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ऑफ द पेन नंबर यूजिंग क्लास इंटरवल 5 10 कंप्यूटर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ पेन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब ये यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले तो देखिए उन्होंने कहा कि 80 नंबर लिया आपने 2 डिजिट, 53 53 35 ऐसे करके आपने कोई रैंडम नंबर ले 80, उनकी जो क्लासेज बना ली 10 10 का इंटरवल रखते हैं, और इसके बाद उनका फ्रिक्वेंसी पहली ये सब निकाल देंगे, देख लेते हैं बिल्कुल आसान है ये भी। आप आपको रैंडम नंबर लेने आते हैं आगे, आप उस क्वेश्चन को उनको कर सकते हो, जिस तरीके से हमारे पास हमने पहले सीरियल नंबर लिख लिया 1 से लेकर 80 तक, हमने अपना सीरियल नंबर लिख लिया, फिर 2 डिजिट नंबर लेते हुए 53 53 35 53 54, आपने रैंडम नंबर से कोई भी दो कॉलम वाइज रो वाइज दो के नंबर लेते हुए, ठीक है। आप कितनी मर्जी जैसे मर्जी रहेगी, हर एक का वेरी कर सकता है। अब कुछ बच्चे जो हैं वो टेबल के बजाय खुद से भी लिख लेते हैं, वो आपकी कितनी मर्जी आप कितनी नंबर लिखे, सबसे छोटी वैल्यू हमारी 0 से रोज में होती है, सबसे बड़ी वैल्यू हमारी 9 9 इस तरह से हो जाएगी, 9 आ जाएगी, ठीक है। यहाँ तक आपने देख लिया, ये वैल्यू 80 तक आ गई। अब हम इसके डिस्ट्रीब्यूशन मिलाते हैं, क्लासेस बनाएंगे और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टू डिजिट नंबर ग्रुप ले लिया, पहली फ्रिक्वेंसी ये मेन के लिए और ये वेरियस के कॉलम निकाल लिया, उन्होंने कहा 10 10 10 डबल रखना है, तो 0 0 स्टार्टिंग वैल्यू होगी, इसमें 10 ऐड किया तो 10 आगे तक 20 30 का, तो इस आप पता है प्रीवियस वैल्यू लिखते हैं यहाँ पे 9, तो 20 है तो प्रीवियस वैल्यू 19, 30 है तो प्रीवियस वैल्यू 29, ऐसे करके आपने इसकी क्लासेस बना ली, इसकी कैरी बना ली, फ्रिक्वेंसी निकाल ली, मिड पॉइंट निकाल लिया, मिड पॉइंट क्या होता है दोनों वैल्यू को ऐड करके फिर डिवाइड करके मिड पॉइंट निकाल देंगे, अगला कॉलम हमारे पास एफ एक्स का आ जाएगा और फिर एफ एक्स के का आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप ये करते गए सारी क्लासेस बना ली, रिक्वायर्ड सम्स निकाल लिए, यहाँ से मीन और वेरिएंस आ जाएगा, अब सी भी आप इसका निकाल सकते हैं। अभी सारे क्वेश्चन को हमने जितने भी किए सबने सी भी निकाला, तो सी भी का फॉर्मूला ऐसे होगा एक्सक्वायर में लिखा था हमने, और ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको आज का लेक्चर क्लियर होगा, आज हमने 25 तक क्वेश्चन को कम्प्लीट कर लिया, बिल्कुल आसान है, प्रोबेबिलिटी वाले थोड़े से वो आपके समझने वाले थे जिनको आपने कल समझा था, लेकिन आज जो है बिल्कुल आसान थे उनको, तो आप रनिंग नंबर टेबल को मैंने क्वेश्चन जो है इससे रिलेटेड एक्सरसाइज भी आपकी है और एग्जाम्पल्स भी हैं उनको भी हमने किया हुआ है, तो ये आपको आसान लगेंगे। आई होप आपको क्लियर होगा, जो कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हो। अल्लाह हाफिज़।